नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले आयुष्मान कार्ड के एक और न्यू पोर्टल के बारे में। पर देखते हैं आपका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का एक और न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है। तो इस पोर्टल का आपको आईडी पासवर्ड कैसे लेना है, और आपको अगर ये पोर्टल का आप आईडी पासवर्ड ले लेते हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड का बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप आयुष्मान कार्ड का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, आप आयुष्मान कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड का जितना भी काम होता है इस पोर्टल से आप कर सकते हैं। तो कैसे आपको इसका आईडी पासवर्ड लेना है, तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाले दोस्तों। इसका लिंक कैसे मिलेगा ये भी आपको हम बता देंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों। मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हम पर ऑल प्रेस कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे इस पोर्टल पे आने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको इस लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम में आपको इस लिंक को मिल जाएगा। जैसे लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखते आपको लॉग इन का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर आपको लॉग इन नहीं होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। यहाँ पर देखते हैं इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट प्लीज। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ पर साइन अप वाले पे क्लिक करके अपने यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पर साइन अप का यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप का पोर्टल आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम करें तो अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है, फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आधार नंबर फिल कर चुके। फिर आपको क्या करना है, पर वैलिडेट वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखते हैं आपको ई के वाई सी का मोड आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करके आप दो यहाँ पर दो प्रोसेस अपने पर के वाई सी कर सकते हैं, आधार ओटीपी, आधार फिंगरप्रिंट। यहाँ पर हम आधार ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इस तरह सा एक कंसेंट आ जाता है। आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर अलाउ वाले पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया। तब आपको क्या करना है, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर दिए। तो यहाँ पर हम ओटीपी यहाँ पर हम सही ओटीपी यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम सही ओटीपी फिल किए थे, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो सबमिट पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ सामने यहाँ पर देखते हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना होगा, तो आपको क्या करना है, फोटो पे क्लिक करके आपको एक फोटो अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख हम एक फोटो अपलोड कर दी है, यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वेट करना है। तो मेरा यहाँ पर देखते फोटो अपलोड ले रहा है। तो फोटो अपलोड करने के बाद अब आपको क्या करना, अपना एक ईमेल आईडी डालकर आपको वेरीफाई करना होगा, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो अपने यहाँ पर ईमेल आईडी हम डाल दिए, फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने में कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको वेट करना है, जैसे आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग पूरा हो जाता है तो आपके ईमेल पर एक लिंक सेंड कर दिया जाता है, आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो आपको ईमेल वेरीफाई कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं, फिर आपको वेरीफाई वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया, आपको क्या करना है, उस ओटीपी को हम फिल करके वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मेरे फोन पर ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। ओटीपी डालने वाले यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, फिर आपको नीचे आ जाना। अब आपको एड रोल डिटेल में आ जाना, फिर आपको क्या करना है, पेरेंट डिटेल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन शो करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है SSA, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको टाइम यहाँ पर सर्च करना है। तो आपको क्या करना है, पर पेरेंट्स एंट्री में आपको NHA सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर एंट्री टाइप पे क्लिक करके आपको यहाँ पर CGHA ऑपरेशन ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर एंट्री टाइप पे आपको CGS सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर यूजर रोल में आपको एडमिन, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो करता है, आपको एडमिन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो करता है, तो आपको UMPA सेलेक्ट करके आपको एड वाले पे क्लिक कीजिएगा। एड पे क्लिक करने बाद यहाँ पर ये एड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखें नेचुरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इस पर क्लिक करके आपको परमानेंट सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर डिजेस्टी में आपको कुछ भी यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर अपना एक यूजर नेम बना लीजिएगा, फिर पासवर्ड बना लीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड बना के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर एडमिन भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम एडमिन लिख दिए। फिर आप अपना एक यूजर नेम बना लीजिएगा, फिर पासवर्ड, फिर कन्फर्म पासवर्ड बना के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते आपको अपना यूजर नेम, अपना नाम भी लिख सकते हैं, फिर आपको अपना पासवर्ड बना लीजिएगा, कन्फर्म पासवर्ड भी बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सारा चीज कर दिए, तब पर भी यहाँ पर सबमिट का बटन नहीं आ रहा, आपको यहाँ पर अपलोड भी यहाँ पर आधार कार्ड कर दीजिए, तब पर भी यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको कुछ दिन वेट करना, ये नया पोर्टल आया है, इसी वजह से यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है, पर यहाँ पर सबमिट फाइनल नहीं हो रहा है। जैसे सबमिट पूरा हो जाता है, हम आपके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल में पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं तो लॉग इन करते हैं, तो आप यहाँ से किसी का बैलेंस भी है यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, आयुष्मान भारत का बैलेंस चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का पूरा काम भी इस पोर्टल से कर सकते हैं। दोस्तों ये पोर्टल न्यू लॉन्च किया गया था, अगर इसका लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।